दोस्तों 23 अगस्त 2023 नूं जदों चंद्रयान 3 चन्न दी सतह ते उतरेगा सारे ही भारती उस दिन दी बेसब्री नाल उड़ीक कर रहे हन। कहा जा रहा है कि भारतीय समय मुताबक मिशन दे शाम 6:04 ते आखिरी 15 मिनट शुरू हो जाणगे। इस समय दौरान यान जो फिलहाल चंद दी 30 किलोमीटर दूरी तो परिक्रमा कर रहा है इस दे दक्षिणी ध्रुव ते सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। दस दईए कि चंद्रयान 2 नूं भी इसे समय दौरान दिक्कतां दा सामना करना पिया सी कि कोई डिग्गे बिना साइकिल चलाउणा सिख सकदा है नहीं ना। उसे तरह पिछले नुक्स दे डूंघे अध्ययन तो बाद भारतीय पुलाड़ खोज संगठन जिस नूं इसरो कहा जांदा है उसने इस वार सुधरिया होया चंद्रयान 3 भेजिया। 15 मिनटां दे दौरान यह सॉफ्ट लैंडिंग किवें करेगा यह पूरी प्रक्रिया 8 पड़ावां विच पूरी कीती जाएगी। मैं हाँ प्रियंका ते ए रिपोर्ट बीबीसी दे लई तैयार कीती है विज्ञान प्रसार दे सीनियर साइंटिस्ट टीवी वेंकटेश्वरन ने। पहला चंद्रयान 3 चंद्रमा दा एक चक्कर लगावेगा। फिलहाल ए गोलाई विच चक्कर कट रहा है पर उदों ए अंडाकार पथ ते चंद दी परिक्रमा करेगा। अंडाकार हुंदा है जो गोल ना होके सगों आंडे दे आकार दा होवे। दोवां दा फर्क तुसी स्क्रीन ते देख सकदे हो। उस समय चंद्रयान 3 दी सब तो घट दूरी 30 किलोमीटर अते सब तो ज्यादा विथ 100 किलोमीटर होवेगी। पहला पड़ा पहले पड़ा विच यान नू अपनी चंद तो दूरी 30 किलोमीटर तो घटा के 7.4 किलोमीटर ते लियानी पवेगी। जो यान चंद की परिक्रमा कर रहा है ते इस दियां चारे लत्तां चंद वल सिद्धियां हन फिर उस नू उतारिया किवें जावेगा इस पिछे भी एक रॉकेट फिलोसफी काम करती है। जिवें हीरे नू हीरा कटदा जिस रॉकेट ने चंद्रयान की लॉन्चिंग समय मदद की सी ओही इसकी लैंडिंग भी करावेगा। मिसाल वजो जदों असी बगीचे विच पानी दी पाइप फड़ के बूटियां नू पानी दिंदे आं तां सानू एक ताकत महसूस हुंदी है जो साडा हथ पिछे वल तकदी है। यह ताकत पानी दे पाइप विचों प्रैशर नाल बाहर निकलण कारण पैदा हुंदी है। इस नूं रिपल्सिव फोर्स कहा जांदा है। इसे तरह जदों रॉकेट दे एक पासे तो इंधन निकलदा है तां दूजे पासों फोर्स निकलदी है। चंद्रयान 3 दीआं लत्तां विच वी 4 रॉकेट लाए होए हन जो चन्न वल हन। जदों इन्हां विचों इंधन निकलेगा तां हेठां वल जावेगा पर फोर्स इस नूं उपर वल धक्केगी। इस तरह उपग्रह हौली गति ते हेठां उतरेगा ना कि जोर नाल। जदों उपग्रह 30 किलोमीटर ते परिक्रमा पथ तो चंद दा चक्कर लगाउंदा है तां इस दी स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटा हुंदी है। फिर रिपल्सिव फोर्स कारण इह स्पीड हौली हौली घटदी है। जदों उपग्रह 7.4 किलोमीटर की दूरी उपर आ जाता है तो इसकी स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। पड़ा दे 15 मिनटों विचों 10 मिनट तो इसे विच खर्च हो जाने हैं। दूजा पड़ा हुण 7.4 किलोमीटर उपर मंडरा रहे उपग्रह नू 6.8 किलोमीटर ते लियांदा जाएगा। इस पड़ा ते दो अहम चीज़ा कीतियां जांदियां हन। पहला लैंडिंग नू सौखा करन लई उपग्रह नू 50 डिग्री ते घुमा के इस दियां लत्तां थल्ले वल कीतियां जांदियां हन। दूजा यकीनी बनाया जांदा है कि उपग्रह लैंडिंग वाली तय जगह वल वध रहा है जां नहीं। जे अजिहा ना होवे तां इस दे पथ नू बदलण दा महत्वपूर्ण फैसला लिया जांदा है। मिसाल दे तौर ते जदों मैं अपनी कार विच किते जांदी हां तां गूगल मैप मैनूं राह दिखाउंदा है। उसे तरह स्पेस क्राफ्ट विच लग्या आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस नाल लैस एक कंप्यूटर इस दी रहनुमाई करेगा। साडे मोबाइल दा लोक खोलण लई असी इस दे कैमरे विच देखदे हां ते साडा मूंह पछाण के फोन दा लोक खोल दिंदा है। हालांकि किसी होर दी शकल देख के फोन नहीं खुलेगा। चंद्रयान 3 यही काम करन लई AI तकनीक दी वरतों करदा है। इस विच लग्या AI कंप्यूटर रस्ते विच आउंदियां थावां नूं लैंडिंग वाली थां दी उस तस्वीर नाल मिलाएगा जो इस सफर दौरान खिंची गई सी। इस डेटा दे आधार ते ही कंप्यूटर इस दे रूट बारे फैसला लैंदा है। तीजे पड़ा विच उपग्रह दी चंद तो दूरी 6.3 किलोमीटर तो घट के 800 मीटर रह जाती है। हुण यान नूं 50 डिग्री होर घुमा के इस दियां लत्तां सिद्धियां कीतियां जांदियां हन बिल्कुल जिवें चलदी साइकिल ब्रेक लाउण नाल हौली हो जाती है। उसे तरह स्पेस क्राफ्ट की गति भी घट हो जाती है। उह स्पेस क्राफ्ट जो 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रहा सी 800 मीटर ते आ के वह बिल्कुल 0 हो जाता है। चौथा पड़ा इस पड़ा विच 800 मीटर उपर मंडरा रहे स्पेस क्राफ्ट की रॉकेट फोर्स कट की जाती है। 800 मीटर तो यान होर थले 150 मीटर उत्ते आ जाएगा। इत्थे पहुंच के यान अपनी थां उत्ते ही 22 घंटा लई खड़ा रहेगा। हुण इसका खतरा पछाणन वाला कैमरा भी
चालू हो जाएगा। मिसाल वजों जे लैंडर की कोई लत पत्थर नाल टकरा जाए जा किसी टोए विच फस जाए तो स्पेस क्राफ्ट घूम के टेढ़ा हो जाएगा। जे ढलान ते उतरदा तो यह मुद्दा हो जाएगा। इसे तरह दियां मुश्किलां लई संभल के रहना पैंदा है। इसलिए लैंडिंग लई कोई अजिही थां पालना अहम हुंदा है जो इन्हां रुकावटां तों रहित होवे। हुण चंद्रयान उस पहलां दसी तस्वीर नाल मिलाउंदे होए सॉफ्ट लैंडिंग वाली थां दी चोण करेगा। चन अपनी खिच नाल स्पेस क्राफ्ट नूं अपने वल खिंचदा है पर रिपल्सिव फोर्स इस नूं उपर वल तकदी है। रिपल्सिव फोर्स एनी रखी जांदी है कि उह चन दी खिच दे बराबर हो जावे। इस तरह स्पेस क्राफ्ट भारहीण हो जांदा है, ना थले डिगदा ते ना ही उपर उठदा है। इस तरह घूमदा होया ये अपने हेठां दी चन दी सतह दा छोटे मोटे पत्थरां लई भी बारीकी नाल मुआयना करदा है। हुण AI कंप्यूटर लैंडिंग वाली थां बारे सटीक फैसला करदा है। पंजवां पड़ा, स्पेसक्राफ्ट उसे तरह खड़ा खड़ा खिसक के उस सटीक बिंदु उपर पहुंच जांदा है जिस बारे इसने फैसला लिया सी कि उतरन लई सुरक्षित है। हुण ये 150 मीटर तो बहुत ही हौली जिही थले आके 60 मीटर की उचाई उपर घूमन लगता है, बिल्कुल उस बिंदु उत्ते जिथे इसने लैंडिंग करनी है। छेवां पड़ा, हुण की होवेगा जे रिपल्सिव फोर्स नूं घटा दिता जावे। चन दी खिच इस नूं खिच लवेगी अते यान हौली जिही उतर जावेगा। नहीं, जिवें कोई खंभ डिगण लग्या हवा विच तैरदा है, उसे तरह स्पेस क्राफ्ट भी तैरेगा अते थले वल आवेगा। इसरो ने चंद्रयान 3 विच एक नवीं मशीन लाई है। LDV लेजर दी एक किरण चन वल सुटेगी जो चन की सतह नाल टकरा के वापस आ जाएगी। इसे दे आधार उते LDV स्किंट दर स्किंट यान की स्पीड तय करती है, जबकि AI वाला कंप्यूटर रॉकटा की स्पीड नूं बिल्कुल उन्ना ही रखता है जिन्नी चाहिए है। हुण स्पेस क्राफ्ट 60 मीटर तो होर थले 10 मीटर उत्ते आ जाता है। इत्थे पहुंच के एक होर फीचर चालू हो जाता है, एक कैमरा जिसका मुंह चंद्रमा वल है अते जो लगातार तस्वीर लैंदा रहिंदा है। एक होर मिसाल दे नाल मैं तुहानूं समझानी हाँ। फर्ज करो एक तेज़ रफ्तार बस सामने आ रही है। बस दूरों तो छोटी लगती है पर जिवें ही नेड़े आउंदी है वड्डी हो जाती है। बस के वध रहे आकार तो इस दी गति का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसे तरह यह तस्वीर चंद की सतह के वध रहे आकार के हिसाब नाल स्पेस क्राफ्ट की सटीक स्पीड नूं तय करन विच मदद करनगियां। बहुत तेज़ गति नाल चन वल वधण नाल मिशन की सुरक्षा खतरे विच पै सकती है। इसे लई इसरो ने इसकी सॉफ्ट लैंडिंग वध तो वध सुरक्षित बनाने लई अजिहियां अनूठियां चीज़ां चंद्रयान विच फिट कीतियां हन। सतवां पड़ा, जदों स्पेस क्राफ्ट चन तो 10 मीटर की दूरी ते होवेगा तो रॉकेट इंजन बंद कर दिते जाणगे। जिवें एक पत्थर डिगदा है ये चन की सतह ते डिग जाएगा। पर रॉकेट अखीर तक चलते क्यों नहीं रखे जा सकते? रॉकेट इंजना कारण चंद की सतह तो धूड़ का बदल खड़ा हो सकता है। सारा स्पेस क्राफ्ट धूड़ के गिलाफ विच ढकिया जाएगा। इस दे सोलर पैनलों उपर भी धूड़ पै जाएगी, इस नाल बिजली उत्पादन विच भी रुकावट पवेगी। इसे लई रॉकेट इंजन बंद कर दिते जांदे हन। उम्मीद है कि यह 2 मीटर प्रति सकेंट के हिसाब नाल चन उपर लैंड करेगा। फिर भी इस दियां लत्तां विच 3 मीटर प्रति सकेंट की गति नाल डिगण ते पैण वाले दबाव नूं भी चल सकण दी समर्थ है। थले वल जांदिआं 800 मीटर तो 10 मीटर तक पहुंचण विच इस नूं सिर्फ 4.3 मिंट लगणगे। यह समा इसरो अते देशवासियां लई बहुत तनाव वाला होवेगा। स्पेसक्राफ्ट की जिंदगी अते मौत का फैसला इन्हां पलां विच ही होना है। इसका भविख हुण AI दे हत्थां विच है। अठवां पड़ा, लैंडर हुण उतर चुकिआ है पर जदों तक सारी उड्डी धूड़ बैठ नहीं जांदी लैंडर भी आराम करेगा। कुछ घंटे लंघ जाण तों बाद ही लैंडर दे एक थले वल नूं कंध खुलदी है। उस कंध नूं ढलाण वांग वरत के रोवर बाहर निकलदा है। लैंडर विच रोवर इसे तरह पिआ है जिवें कोई कंगारू मां अपनी थैली विच अपना बच्चा लैके घूमदी है। बाहर निकलदिआं ही रोवर अपनी मां लैंडर दी फोटो खिंचदा है अते लैंडर अपने बच्चे भाव रोवर दी। दुनिया मां अते बच्चे दीआं इन्हां तस्वीरां जो लैंडिंग दा आखिरी पड़ा पूरा होण ते खिंचीआं जाणगीआं दी दिल ते हथ रख के उड़ीक कर रही है। उम्मीद है साडे अज दे इस वीडियो दे नाल तुहाडी जानकारी विच कुछ वाधा जरूर होया होवेगा। अजिहे ही होर वीडियोस देखण लई साडा YouTube चैनल सबसक्राइब करो। फेसबुक, ट्विटर ते इंस्टाग्राम ते सानू फॉलो करो ते साडी वैबसाइट bbc.com/punjabi ते जरूर आओ। धन्यवाद।